हाय फ्रेंड्स, आज हमारे अनोखा किचन में बन रहे बैंगन की कलौजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। तो चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं कलौजी बनाने के लिए। एक बार हम मसाला तैयार करके रख लेंगे, आप सब कोई भी चीज़ का कलौजी बना सकते हैं, चाहे वो भिंडी हो, आलू हो, करेली हो या बैंगन हो, कोई भी चीज़ का कलौजी बना के फटाक से आप तैयार कर सकते हैं। इसमें हम लिए हैं 100 ग्राम सरसों पीला वाला, 50 ग्राम धनिया, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी, 3 चम्मच हम सौंफ डालेंगे, क्योंकि सौंफ अचार हो या कलौजी हो, सौंफ ज़्यादा रहता है, स्वादिष्ट लगता है। ये 3 चम्मच हमने सौंफ डाली है। 2 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें। 1 चम्मच मंगरेल डालूंगी। इसको अच्छी तरह से गैस को ऑन करूंगी और स्लो आंच पे हल्का हल्का इसे गरम करूंगी। भूनना नहीं है, सिर्फ इसे गरम करना है। देखिए 1 चम्मच हम कलौजी डाल दे रहे हैं, इसे हम मंगरेल भी कहते हैं। इसको हल्का हल्का आंच पे ही गरम करेंगे। एक बार आप इस तरह से मसाला स्टैंड मसाला बना के रख लीजिए, आप कोई भी चीज़ का कलौजी बनाइए। अगर आपको झंझट लगता है कलौजी बनाना तो हमारे तरीके बताए तरीके से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। चलिए हमारा मसाला भून के हो गया है तो इसे ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं और फाइन पाउडर बना लेते हैं। देखिए हम मसाले को पीस लिए हैं, अब इसमें 4 चम्मच अमचूर का पाउडर मिला देंगे। देखिए 4 चम्मच अमचूर का पाउडर मिला दिए हैं। इसको अच्छे से मिला के एक कांच के बर्तन में भर के रख देंगे हम। अगर कोई भी चीज़ का कलौजी हमें बनाना हो तो फटाफट बन के रेडी हो जाता है। देखिए हम इसमें भर के इसे रख देंगे। अभी मैं आपको बैंगन का कलौजी बना के दिखा रहे हैं। ना बैंगन को काटना, ना उसका बीज निकालना, ना मसाला भरने का झंझट, बस फटाफट से बैंगन को काटिए इस तरह से और कलौजी बना के तैयार कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है। देखिए हम बैंगन को ऐसे काट लेंगे लंबा लंबा, छोटे छोटे पीस नहीं करेंगे हम, लंबा लंबा ही काटेंगे बैंगन को। देखिए इसी तरह से हम काट लेंगे, इसका डंडी भी हम निकालेंगे नहीं, इसका डंडी भी इसी डंडी से इतने काटेंगे हम इसे बैंगन को। देखिए बैंगन काट के हो गया है। गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा को तड़कने देते हैं, थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। अब हम बैंगन काट के रखे उसे भी डाल देते हैं। देखिए हमारा बैंगन डाल के हो गया। अब इसको अच्छे से चलाएंगे, गैस को कर देते हैं स्लो, ऐसे हल्का हल्का भूनने देंगे बैंगन को पहले। तब तक हम लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हम मिर्च ले लिए पेस्ट के लिए, हम थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन मिर्च का पेस्ट बना रहे हैं। हम रखे रहते हैं आगे भी कोई भी रेसिपी में डालने के लिए हो जाता है, हम ऐसे थोड़ा ज़्यादा बना के रखेंगे। देखिए हमारा बैंगन भी कैसे भून रहा है, इसका कलर चेंज होने लगा है। देखिए हमारा पेस्ट बन गया है। अब इसमें से 1.5 चम्मच हम डालेंगे, 1 चम्मच और आधा चम्मच लहसुन मिर्च का पेस्ट डालेंगे और पेस्ट हम रख देंगे, आगे कोई भी रेसिपी बनाएंगे उसमें डालते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं। आप ऐसा लहसुन मिर्चा का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, एक हफ्ता तक चल जाता है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच छोटा चम्मच से कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। अब ये जो कलौजी का मसाला बना के रखे हैं, हम 2 छोटा चम्मच कलौजी का मसाला डालेंगे। गैस को एकदम स्लो पे रखेंगे, इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। अगर आपको लगता है
फिर हमारा मसाला जल रहा है तो बस 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए हम गैस स्लो गैस कर दिए हैं, इसे ढक कर पकाएंगे, अच्छी तरह से इसे चलाएंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाएंगे हम। चलिए इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। चलिए 5 मिनट हो गया, खोल कर देख ले रहे हैं। देखिए हमारे कलौजी कैसे भून रहा है, इसको अच्छे तरह से चला देंगे हल्के हाथों से। ऐसे फिर ढक कर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए 5 मिनट हो गया, खोल के देख ले रहे हैं हम, इसे अच्छे से चला दे रहे हैं। देखिए हमारा कलौजी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप सब भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। चलिए इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, गैस को ऑन कर ऑफ करते हैं। देखिए फटाफट बन के रेडी हो गई ना हमारी कलौजी, टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिए।